टुडे आवर टॉपिक इज थायराइड डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। तो हम सबसे पहले देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में सिचुएटेड होती है और ये स्मॉल ग्लैंड होती है जो कि कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करती है और ये दो लोब्स और एक स्टमक से मिलकर बनी होती है और ये एक हाईली मस्कुलर ऑर्गन होती है। और जो इससे जो थायराइड जो हार्मोन निकलते हैं वो मेनली T3 और T4 का सिक्रेशन करती है। जो ये थायराइड हार्मोन होते हैं वो फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि मेनली जो फीटस का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत इसेंशियल होते हैं थायराइड हार्मोन। और इन फीटस में तो अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी के टेंथ वीक से फीटस अपने खुद के थायराइड हार्मोन T3 T4 का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो क्योंकि T3 और T4 प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते इसलिए। तो उसके बाद देखते हैं कि पहला इसमें हम दो कंडीशन करेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड दूसरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में देखते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल इंक्रीज होना। तो इसमें क्या होगा कि उनको T3 और T4 का लेवल इंक्रीज देखने को मिलता है लेकिन TSH का लेवल इसमें डिक्रीज मिलेगा ब्लड में। क्यों? क्योंकि जो T3 T4 का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो सबसे पहले सिक्रेशन होता कैसे वो देखते हैं। पहले हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक ये जो होगा वो हार्मोन रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके स्टिमुलेट करता है, देन एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है और फिर वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे आके एक्ट करता है जिसकी वजह से T3 और T4 का सिक्रेशन होता है। तो क्या करेगी जब T3 T4 का जो वॉल्यूम वो अगर ब्लड में इंक्रीज हो गया तो जो TSH है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी तक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, पिट्यूटरी सेंस करेगी कि ब्लड में T3 T4 का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो वो TSH का लेवल अपने आप डिक्रीज कर देगी। ठीक है। तो और दूसरा वो ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि HCG और ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज रहता है तो ये HCG और ईस्ट्रोजन दोनों मिलके भी एक थायराइड हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं और ये भी TSH के लेवल को इंक्रीज नहीं होने देते। उसके बाद में देखते हैं कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो कौन से मेनली जो 1000 प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें एक या दो फीमेल में ही हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। और इसका क्या कारण है, क्यों होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन? क्योंकि ये जो है हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है इसमें। क्यों? क्योंकि जो ऑटो इम्यून एक डिजीज होती है जिसको ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं उसके कारण। तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है कि एक्सेस थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस। तो थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन इसमें हो जाती है क्योंकि जो थायराइड है वो थायराइड जो रिसेप्टर्स पे कुछ एंटीबॉडीज होती हैं तो वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं कि खुद की थायराइड सेल्स के प्रति वो ऑटो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो थायराइड है उसका एक्टिवेशन हो जाता है और वो थायराइड हाइपर सिक्रेशन करने लग जाती है हॉर्मोन्स का और साथ ही उसका जो साइज है वो भी लार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। और इसके साथ साथ जो ग्रेव्स डिजीज है उसमें और क्या क्या देखने को मिलता है, हाइपर प्लास्टिक गोइटर भी देखने को मिलता है, मतलब थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट और एक्सोथेलमोसिस भी इसमें होता है। एक्सोथेलमोसिस क्या होता है, जो आईज होता है आई होल होता है वो बल्जिंग आउट हो जाता है फिर प्रोट्रूडिंग ऑफ आई होल्स। देन उसके बाद देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें मेनली क्लिनिकल फीचर्स
पता नहीं चल पाते हैं, क्योंकि कॉमनली क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हाइपर थायरॉयडिज्म नॉर्मली थोड़ा बहुत देखने को मिलता ही है, तो इसके क्लिनिकल फीचर थोड़े बाद के लिए डायग्नोज करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। लेकिन जनरली क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं इसमें, जैसे टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर थायरोमेगेली हो सकती है, या फिर एक्सोथेलमोसिस होगा, और फेलियर पेशेंट का अगर वेट इंक्रीज होने में फेलियर होगा, पेशेंट का वेट नहीं बढ़ पाएगा लेकिन उसकी भूख अच्छी होगी, भूख अच्छी होने के बावजूद भी उसका वेट नहीं बढ़ पाएगा। और इसके लिए हम देखते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो पहले अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इस सीरम लेवल देखेंगे T3 T4 का और साथ में TSH का। तो सीरम में क्या दिखेगा, T3 T4 का लेवल इंक्रीज दिखेगा और TSH का लेवल डिक्रीज दिखेगा। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी। तो मदर पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, तो मदर में इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं, या फिर अबॉर्शन के, या फिर प्रीटर्म लेबर, या फिर हाई रिस्क ऑफ प्रीएक्लैम्प्सिया के चांसेस हो सकते हैं इसमें, और कार्डियक फेलियर भी हो सकता है क्योंकि कार्डियक मसल्स इसमें डिक्रीज हो जाती है, कार्डियक मसल्स वीक हो जाती है, इस वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है, और थायराइड स्टोन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। थायराइड स्टोन क्या होता है, ये एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान अगर टाइमली हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं किया जाए तो। और उसके बाद देखते हैं फीटल इफेक्ट क्या होते हैं इसके। तो फीटल इफेक्ट में क्या होता है, फीटल की ग्रोथ इसमें रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है क्योंकि T3 और T4 हार्मोन का जो इम्बेलेंस हो रहा है उसके कारण, या फिर जो थायराइड ऑटो इम्यूनिटी बन रही है उसके कारण जो फीटस का जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, या फिर स्टिल बर्थ भी देखने को इसमें मिलता है क्योंकि वो एंटीबायोटिक बॉडीज जो बनी है फीमेल में वो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके फीटस तक जाती है और वो फीटस सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है। देन उसके बाद में क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, जो एंटी थायराइड ड्रग है अगर उसको अगर इमिडिएटली अगर स्टॉप कर दें, या फिर किसी सर्जरी के कारण अगर ये अगर हो तो उसमें भी ये फीटस न्योनेटल डेथ के कोज कर सकती हैं क्योंकि इसके कारण फीटस में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा और फीटल गोइटर भी डेवलप हो सकता है इसमें इस वजह से। तो अब इसके देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो इसमें पहले एंटी थायराइड ड्रग्स का यूज करते हैं। तो पहली ड्रग्स होती है कार्बिमाजोल, तो कार्बिमाजोल ओरली देते हैं। कार्बिमाजोल ओरली देते हैं, इसको डेली दिया जाता है 20-60 mg ओरली इसको डेली देते हैं इस ड्रग को। तो जो ये इसको मेंटेन कब तक रखते हैं इस ड्रग को, जब तक कि थायराइड का जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं आ जाए, और उसके बाद में नॉर्मल होने के बाद में भी इसको प्रोग्रेसिवली मेंटेन इसको रखते हैं 5-15 mg पर डे के हिसाब से इसको बाद में भी मेंटेन रखा जाता है। और सेकेंड ड्रग होती है प्रोफाइल थियोयूरेसिन, थियोयूरेसिन ड्रग होती है सेकेंड ड्रग। इसकी डोज क्या होती है, ये 300-450 mg डेली इसको दिया जाता है जब तक कि थायराइड का फंक्शन नॉर्मल नहीं हो जाता, और उसके बाद में इसकी मेंटेनेंस डोज दी जाती है 50-150 mg डेली। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल थियोरेसिन जो ड्रग है ये प्रेगनेंसी के ड्रग ऑफ चॉइस है, और ये सेफ भी है और इफेक्टिव भी है ज़्यादा। और उसके बाद में जो फर्स्ट ड्रग जो हमने दी है कार्बिमाजोल, वो जो ल्यूकोपेनिया की कंडीशन कोज कर सकती है कुछ कंडीशन में, ल्यूकोपेनिया में WBC की काउंट इंक्रीज होना,
और कार्बामाजोल जो होता है वो और फीटस में भी उस कंडीशन जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एप्लेसिया कुटीज की कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या होता है कि ये कंजेनाइटल डिजीज होती है, तो इसमें क्या होता है कि फीटस के स्कैल्प पे स्किन एब्सेंट होती है, तो इस कार्बामाजोल ड्रग का ये साइड इफेक्ट हो सकता है। और उसके बाद में अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर T3 और T4 TSH का लेवल मेंटेन अगर है कि नहीं है, ये हमको टाइमली डायग्नोस करते रहना चाहिए हर 4 to 6 वीक में। थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। और उसके साथ साथ में ये ड्रग्स लैक्टेशन में भी सेफ होती हैं, तो अगर मदर ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है तो करवा सकती है। उस पर लैक्टेशन के दौरान ये फीटस पे कोई साइड इफेक्ट नहीं डालेगी। देन उसके बाद में बीटा ब्लॉकर्स भी पेशेंट को देते हैं और टेकीकार्डिया और अरिथमिया के लिए। और उसके बाद में सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं इसका, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, थायराइड एक्टमी करेंगे और रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होगा कि ये कुछ वुमेंस में ही करते हैं, सभी वुमेंस में नहीं करते हैं थायराइड एक्टमी, क्योंकि अगर किसी वुमेंस में अगर ड्रग थेरेपी अगर इफेक्टिव नहीं हो रही है, या फिर ड्रग थेरेपी के कारण अगर टॉक्सिक हो रहा है, या फिर मेडिकल या फिर दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण कोई और कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो उस कंडीशन में थायरॉइडेक्टोमी की जाती है। अब सेकंड देखते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म क्या होता है? हाइपोथायरॉइडिज्म ये होता है कि जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल ब्लड में डिक्रीज होना। तो इसमें क्या होगा, जो T3 और T4 का लेवल है वो ब्लड में डिक्रीज होगा, लेकिन TSH का लेवल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि पिट्यूटरी तक ये सिग्नल जा रहे हैं कि T3 और T4 का लेवल डिक्रीज है, तो वो एक्सेस अमाउंट में TSH को स्टिमुलेट करेगी, TSH सिक्रीट करेगी, इस वजह से TSH का लेवल इंक्रीज होगा। उसके बाद में जो TSH का लेवल अगर इंक्रीज हो, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर TSH का लेवल अगर इंक्रीज मिल रहा है, तो उसका एक ये कोज भी माना जाता है कि HCG और ईस्ट्रोजन हार्मोन में कुछ गड़बड़ी है, तो वो भी एक उसको भी एक अलग तरीके से देख सकते हैं। और ये हाइपोथायरॉइडिज्म है, ये और प्रेग्नेंट वुमेन में 1% वुमेन में इसको देखा जाता है। और ये भी मेनली इसका क्या कारण हो सकता है, इसमें भी ऑटो इम्यूनिटी के कारण हो सकते हैं, और जैसे एक हाशिमोटो सिंड्रोम नाम की एक, या फिर हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें ऑटो इम्यूनिटी होने लग जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होती है वो थायराइड हार्मोन को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें स्टार्टिंग में तो थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिजीज बढ़ेगी वैसे वैसे थायराइड जो ग्लैंड है उसका भी डिस्ट्रॉय होना होगा, और जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है इसमें, पहले मैटरनल कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। तो मैटरनल में इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं पहले, तो उसके बाद में मिसकैरेज के चांसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि अगर अनट्रीटेड हाइपोथायरॉइडिज्म है, जो अर्ली प्रेगनेंसी में अनट्रीटेड है, पहले कंडीशन को पता नहीं चल पाया, अनट्रीटेड हो गया, तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एनीमिया के चांसेस होते हैं, और प्री एक्लेम्सिया और PPH भी इसमें हो सकता है। देन फीटल कॉम्प्लिकेशन, तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या होता है, जैसे स्टिल बर्थ है, या फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, फिर प्री मेच्योरिटी, या फिर फीटस में कोई बर्थ डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, फिर मेंटली रिटार्डेड फीटस हो सकता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले बेसलाइन थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट। जब मदर की फर्स्ट विजिट होगी तो उस समय थायराइड बेसलाइन टेस्ट किया जाता है, उसमें थायराइड का लेवल देखा जाता है, थायराइड हार्मोन का लेवल। उसके बाद में अगर प्री प्रेग्नेंट में, अगर प्रेगनेंसी से पहले भी अगर पेशेंट को अगर हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन है,
तो और उसके बाद में प्रेगनेंसी के बाद में उसको जो सब सब्स्टिट्यूशन थेरेपी स्टार्ट करेंगे, मतलब उसकी पहले से जो डोज चल रही है उसके साथ में और डोज ऐड करेंगे थायराइड जो टैबलेट की। तो इसमें कौन सी टैबलेट दी जाती है, लीवो थायरोक्सिन इसमें दी जाती है टैबलेट, जो जिसमें जिसका लेवल प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज होता है, मतलब जो प्री प्रेगनेंट स्टेज में इसकी डोज कम होती है लेकिन प्रेगनेंट स्टेज में इसके ज़्यादा डोज दी जाती है। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर ये पता चला है कि इसको हाइपोथायरॉइडिज्म की कंडीशन है तो स्टार्टिंग डोज 100 माइक्रोग्राम पर डे से इसको करते हैं। तो और उसके बाद में धीरे धीरे हर 2 वीक के इंटरवेल पे इसकी डोज को बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू थायराइड हार्मोन कंडीशन। तो इसको बढ़ाने मतलब 50 माइक्रोग्राम के हिसाब से इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है तो। और उसके बाद में ये ड्रग्स क्या होती है, जो ये लिवोथायरेक्सिन होती है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ होती है और लैक्टेशन में भी सेफ होती है। और इस ये ड्रग जो होती है लिवोथायरोक्सिन इसको मॉर्निंग में लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जो एम्प्टी स्टमक इसको लेते हैं मॉर्निंग में और इसके 1 घंटे तक कुछ भी खाते पीते नहीं है पेशेंट को। ये मतलब समझाया जाता है कि डोज कैसे लेनी है थायराइड टैबलेट की।